वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे एक्सपैंड करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2z प्लस 5y इंटू 3x प्लस 2z माइनस 5y। अब आप इसे देखोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9x स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस 25y। सो ये एक्सपैंड हो गया है। थैंक यू।